कर्नाटका के बीजेपी के एमएलए ने कहा कि मैं बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, ये मुसलमान लोग, ये कटवे, ये दाढ़ी टोपी पहनने वाले, इनका काम ही नहीं करना तुम लोग, और ये टोपी पहनने वाले मेरे करीब नहीं आना। वजीर आजम, ये आपका सबका साथ सबका विकास है, आप एमएलए बोल रहा हूं कि मुसलमान कॉरपोरेटर और मुसलमानों का काम नहीं करना, क्या हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पर मिलिट्री रूल है, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान बाइज्जत शहरी नहीं है, क्या बीजेपी का एमएलए सिर्फ एक ही कौम एक ही मजहब के काम करेगा। मैं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारी मां और बहनों से कहना चाह रहा हूं, जो हिंदुस्तान में हमारे अपाहिज हैं विकलांग, उनसे कहना चाह रहा हूं, आप अगर किसी भी मजहब के होंगे, आप दारुसलाम को आइए, हम आपका उत्कर्ष इस्तकबाल करेंगे। हम काम करने में ये नहीं देखते कि कौन किस मजहब का। मेरे भाई, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आप जानते हैं दारुसलाम में जब आप आते हैं तो हम आपके चेहरे को नहीं देखते कि आपके चेहरे पर तिलक है या नहीं है, हम आपका नाम नहीं पूछते, हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने मुझे यहां पर बिठाया है उसकी मखलूक की खिदमत करने के लिए और मुझे काम करना। वजीर आजम को ओहदा मिल गया तो उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, ये इनका सबका साथ सबका विकास है मेरे भाई।